महागठबंधन में हमारे पार्टी में कांग्रेस पार्टी के युवा लोग ज्वाइन किए हैं। युवाओं का समर्थन हमारे पार्टी को और हमारे गठबंधन को मिल रहा है। इसको लेकर इस निकम्मी सरकार के रवैयों को देखते हुए तमाम हमारे इलाके का युवा हम लोग के साथ, हमारे गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है जब नौजवान हमारे साथ आ रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे बिहार का नौजवान श्री तेजस्वी जी के साथ कंधन कंधे मिलाकर चलने को तैयार है। हम लोग की सरकार इस बार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव की बनेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो महागठबंधन है सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसे समय में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना कितना कठिन होगा? जी ऐसा कुछ नहीं है, महागठबंधन बड़ा परिवार है जी, परिवार में थोड़ा बहुत होता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हम सब लोग मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार के गद्दी पे बैठेंगे, नीतीश कुमार का सफाया हो पाएगा? हम तो पार्टी के विधायक, आवाम, बिहार का युवा, नौजवान, बुजुर्ग सब लोग एक स्मार्ट मूड बना चुके हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सब लोग ताली बजाइए। सब लोग इस तरह आप लगातार लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों के अंदर मिजाज क्या है बिहार सरकार को लेकर? बिहार सरकार को लेकर पूरे बिहार का सभी लोग, सभी तबके के, सभी वर्ग के लोग बिल्कुल क्षुब्ध हो चुके हैं इनकी झूठी बातों से, झूठी वादों से, गलत कारनामों से, भ्रष्टाचार से बिल्कुल सारे लोग अवगत हो चुके हैं। इसलिए इस बार झांसे में आने वाला नहीं है बिहार का लोग, बिहार का लोग समझ चुका है, बिहार का लोग महागठबंधन को ही चाह रहे हैं। लेकिन नीतीश जी जो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में 15 सालों में हमने बहुत सारे विकास का काम किया, आपको क्या लगता है कि लोग इस बार क्या नीतीश कुमार के कामों को देखकर वोट करेंगे या बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी आम हो रही है इसको देखकर के लोग वोट करेंगे? सबसे पहले हमारे यहाँ जब भूखे पेट में अलही नहीं रहेगा तो रोड या बिजली बन के चल के लोग क्या करेंगे? नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़ाई से शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही नहीं है, तो इससे इससे तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ रोड बना देने से विकास कहाँ? इतना लूट हत्या भ्रष्टाचार मचा हुआ है, तो नए हॉस्पिटल में ना डॉक्टर है, ना स्कूल में टीचर है, कोई व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन जिस तरह आप लोग विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि बिहार में चुनाव को टाल दिया जाए, फिलहाल चुनाव ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह कर दिया कि 29 नवंबर से पहले तक बिहार में चुनाव हो जानी चाहिए, आपको क्या लगता है ये जो सत्ता पक्ष है ये क्यों चाह रहा है चुनाव कराना? ये हमारे नेता गरीबों के नेता, दलितों, पिछड़ों, शोषितों के नेता है लालू जी, आदरणीय लालू जी ने सोचा ये कोरोना का महामारी है, इसमें गरीब लोग मर जाएंगे, बीमारी फैलेगा, इसके कारण उन्होंने कहा कि चुनाव ना हो, चुनाव बेहतर होगा कि जब बीमारी दूर हो जाए उसके बाद चुनाव कराने की। लेकिन अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या चीज़ का बेचैनी है कि इतना जल्दी चाहते हैं चुनाव कराना। ये उनको गरीबों का, आवाम का ख्याल नहीं है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, बस उनको गद्दी से मतलब है, कैसे हमको गद्दी मिल जाए इस चक्कर में पड़े हुए हैं, बाकी उनको जनता से कोई बात